कम बैक टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हम बेसिकली इवोल्यूशन को कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से कोटिलिया से लेकर के प्रेजेंट डे तक किस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्व हुआ है। तो आज का हमारा फोकस रहेगा लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल पे। फाइन, इसमें हम ब्रिटिशर्स जितने साल तक रहे उनके जो एक्ट रहे या फिर कितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन कमीशन, ये सब उनके बारे में डिटेल में कवर करेंगे। एंड पेपर वन के लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपको सारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड पेपर वन के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। जाइए देखिए एंड बताइए कैसे हैं। सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है, जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, जो भी है कमेंट कीजिए। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए, वैसे तो हमें पता है ब्रिटिशर्स के बारे में, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो और बहुत डिटेल में पढ़ते हो। इवन आपकी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो बेसिकली ब्रिटिश रूल के अराउंड ही घूमती रहती है, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट एक आस्पेक्ट को देखेंगे, हम उनके हिस्टोरिकल या पोलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। सो द प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज लार्जली अ लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पता होगा कि हमारे सिविल सर्विस की शुरुआत ही ब्रिटिशर्स करते हैं इंडिया के अंदर। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बेसिकली ब्रिटिश रूल की ही एक लेगेसी है। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन थ्रू अ स्टेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंटीन्यूअस इनोवेशन। आपको पता होगा कि 1773 से लेकर के कॉन्टिन्यूस 1947 तक इवोल्यूशन होता रहता है, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और इनोवेशन होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कानून बना दिया वही चलता रहा, हर 10-15 साल के बाद में कोई नया कानून आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैज बीन बिल्ट ऑन इट्स ब्रिटिश हेरिटेज। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने देखा कि यहाँ की लोकल कंडीशंस कैसी हैं, मुगल जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो कुछ मुगल्स से उन्होंने लिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से और कुछ उन्होंने अपना डेवलप किया। तो आज का जो प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दैट हैज बीन बिल्ट ऑन इट्स ब्रिटिश हेरिटेज। एक चीज और है कि बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर का मेन मोटिव क्या था, सस्टेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर एम्पायर, राइट। बट कुछ ऐसे जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स लिए उनके वो बहुत ज्यादा यूजफुल प्रूव हुए इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दो द ब्रिटिश हैड देयर ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर एम्पायर, some of the consequences of their organizational initiative have proved to be very useful to the India even after independence, जैसे creation of civil service, right? तो civil service का creation वैसे Britishers ने किया था अपने फायदे के लिए, अपने empire के लिए, but बाद में भी बहुत ज़्यादा beneficial रहा ये India के लिए, right? अब शुरुआत करते हैं 1600, जब 1600 आपको ध्यान होगा कि East India Company basically एक जो merchant adventurer होते हैं, ठीक है, एक मर्चेंट्स की बॉडी थी, बहुत सारे मर्चेंट्स थे और उनका मेन काम क्या था कि वो इंडिया से सामान खरीदते थे और वो उनको जाकर के यूरोप के अंदर बेचते थे। फाइन, सो ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ वाज अ बॉडी ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर एंड मेन मोटिव जो था वो क्या था, टू परचेज इंडियन गुड्स एंड सेल इन यूरोप। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश क्वीन थी उन्होंने क्या किया, ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन ईस्टर्न वाटर। अगर आपने हिस्ट्री में ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पर केप ऑफ गुड होप करके का है प्लेस है इन द साउथ साउथ अफ्रीका, जहाँ टच करता है वहां पर, मतलब जहाँ उसकी साउथ अफ्रीका की टिप है वहां पर केप ऑफ गुड होप करके एक प्लेस है, वहां से ईस्ट के अंदर जितनी भी कंट्री है वहां पर ट्रेड करने की ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी गई। मतलब कोई भी इंग्लैंड से अदर कंपनी वहां पर जाकर के ट्रेड नहीं कर सकती। तो बहुत फायदा हुआ शुरू शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, और ट्रेडर ही थे बेसिकली ये। 1600 से लेकर के 1765 यानी कि 1765, आपको ध्यान होगा कि 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है, राइट। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेन्ड ए ट्रेडिंग कंपनी, वो सिर्फ व्यापारिक काम ही करती है, ट्रेड का काम ही करती है। और उस टाइम तक दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती हैं, राइट। उस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अथॉरिटी होती है, वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
देखिए नाम थोड़े से सिमिलर लगेंगे आपको आगे जा करके, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सुपीरियर बॉडी थी एंड अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स होते थे उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा नॉमिनेट किए गए पर्सन्स होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और आप फर्दर देखोगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काफी हद तक इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते पॉलिसीज को, राइट। सो 1600 टू 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेंड अ ट्रेडिंग कंपनी। 1765 के अंदर बंगाल के अंदर वो ऑक्यूपाई करते हैं और वो फिर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आगे फिर चलता रहेगा टिल 1947। देन बात करें हम, अगर मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इज द वॉज द क्रिएशन ऑफ बॉडी ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्विस जो था अंडर द EIC डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, आपने बहुत ध्यान से भी पढ़ी होंगी चीजें, वन इज कोवेनेंटेड सिविल सर्विस और दूसरा था अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस। कोवेनेंट एक तरीके का चार्टर होता है जिसको साइन करते हैं वो। सो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस के अंदर सिर्फ इंग्लिश मैन थे, यानी कि जो इंग्लैंड के रहने वाले थे वही थे। एंड दिस कैटेगरी ऑफ सिविल सर्विस एंटर्ड इनटू अ कोवेनेंट टू सर्व द कंपनी फेथफुली एंड गिव सिक्योरिटी फॉर डूइंग सो। एक तरीके के बॉन्ड साइन करते थे या चार्टर साइन करते थे कि वो कंपनी को फेथफुली और मतलब अच्छे से उनकी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे। इन द सेकेंड कैटेगरी में बेसिकली इंडियंस, पारसी, इंग्लिश मैन और पोर्टुगीज, ये सारे लोग आते थे और ये कोई कोवेनेंट साइन नहीं करते थे कंपनी के साथ। तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म सिस्टम भी नहीं होता था रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, प्रमोशन का, और कोई कैडर पॉलिसी भी नहीं होती थी। फाइन, तो ये जो दो सिविल सर्विस है यही बेस बनती है आगे जाकर के, इंपीरियल सिविल सर्विस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, PCS और ICS ये बनती है। फाइन, तो ये जो सिविल सर्विस की शुरुआत है वो यहाँ से होती है, राइट। फर्दर बात करते हैं हम कि 1765 तक क्या होता है कि बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी रहती है। 1765 के अंदर 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है, उसके बाद में वो वहाँ पर पॉलिटिकल फंक्शंस मतलब पॉलिटिकली वो काम करना शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर। उसके बाद में जो पहला एक्ट आता है दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और इसको हम शुरुआत भी मानते हैं, कैन बी टेकन ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ इस पॉइंट पे करके आपको लगेगा कि हम सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको पॉलिटी का भी कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा, हिस्ट्री भी यहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर है। तो प्लीज बी केयरफुल कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में इनको कवर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डिटेल मिस भी हो जाती है तो प्लीज रिमेम्बर कि हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर है, राइट। तो हम वही एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट कैन बी टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अप्लाइड मेनली टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट कि बंगाल को ज्यादा पावर दी गई थी एज कंपेयर टू अदर प्रेसिडेंसी। दो प्रेसिडेंसी और थी, कौन सी, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर था बंगाल का उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जिसमें चार मेंबर होंगे जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे। एंड आपको बताना है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से क्या एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है, और वो कहाँ से होती है कि बॉम्बे और मद्रास अभी तक उनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स थी और अब उनको बंगाल के अंडर सबॉर्डिनेट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है एट द कैलकटा एंड स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बेसिकली सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं पूरी पावर को, और आगे जाकर के यही चीज आपको डिसेंट्रलाइज जब होगा आगे जो फर्दर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि फिर बॉम्बे एंड मद्रास को उनकी पावर लौटाई जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। सिमिलर काफी सारे एक्ट्स आते हैं। यहाँ पर मैं दो या तीन गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वॉरेन हेस्टिंग, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। सो वॉरेन हेस्टिंग के जो टाइम था ड्यूरिंग हिज रिजन द कंपनी बिकेम ए गवर्नमेंट फ्रॉम ए ट्रेडर, एक व्यापारी से एक सरकार बन गई कंपनी। कंपनी टुक अप फंक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, रिवेन्यू का काम और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कंपनी के जिम्मे आ गया। इवन जो मॉडर्न सेक्रेटेरिएट है हमारा, इसका ओरिजिन भी आपको जो फैक्ट्री राइटर्स के ऑफिस होते थे वहीं पर मिलेगा उन्हीं के टाइम पे।
And in Madras and Bengal, there was a secretary to the Council of Governor General who was assisted by 5 to 6 junior secretary. जो ये मॉडर्न सेक्रेटेरिएट, इसमें क्या होता है कि काफी सारे सेक्रेटरीज होते हैं, राइट, जो गवर्नर उनको बेसिकली असिस्ट करते हैं. तो ये वहां से शुरुआत हुई थी कि उस टाइम पर मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उनका एक सेक्रेटरी होता था और वो फिर 5 से 6 जूनियर सेक्रेटरीज होते थे. तो ये मॉडर्न सेक्रेटेरिएट की शुरुआत है. तो बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवलिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सिविल सर्विस के अंदर इनका रोल काफी मतलब कमांडेबल रहा इनका. हिज रेजिम कॉन्स्टिट्यूटेड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ हाईली लिबरल सिस्टम ऑफ रिन्यूमरेशन. इन्होंने करप्शन को कम करने की कोशिश की, इन्होंने पे स्केल को बढ़ाया एंड पैट्रोनेज सिस्टम जो होता था उसको एलिमिनेट किया. पैट्रोनेज सिस्टम इन द सेंस कि जो आप जिनको आप फेवर करते हो, नेपोटिज्म ही है पैट्रोनेज, ठीक है, जिनको आप फेवर करते हो उन्हीं को सर्विस में लेकर के आ रहे हो. तो उन्होंने वो पैट्रोनेज खत्म करने की कोशिश की एंड उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की. ही डिवाइज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट कंटेन करेक्टिव अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर बाय द ऑफिशियल्स, ऐसा सिस्टम जिसमें ऑफिशियल पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके. उन्होंने कॉर्नवलिस कोड को इंट्रोड्यूस किया एंड बेसिकली ही सेपरेटेड द कस्टम्स फ्रॉम रिवेन्यू. लेकिन उनके जो पूरा रेजिम रहा उसका सबसे वीक पॉइंट ये था कि उन्होंने इंडियंस को बहुत ही सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्ट लेने से रोका एंड दैट प्रूव टू बी द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ हिज रेजिम. वीकेस्ट पॉइंट ऑफ हिज रेजिम वाज सिस्टमेटिक एफर्ट टू एक्सक्लूड इंडियंस फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. उन्होंने कोविनेंटेड सिविल सर्विस को ज्यादा प्रेफर किया क्योंकि उसमें सिर्फ इंग्लिश में होते थे, ठीक है. तो इंडियंस को काफी कोशिश की गई कि वो एक्सक्लूडेड रहे, वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर न आए. देन वेलेसली आते हैं, लॉर्ड वेलेसली 1799 से ना 1808 तक रहते हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग. इन्होंने 1800 के अंदर कैलकटा में फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं. वो फोर्ट विलियम कॉलेज बेसिकली ट्रेनिंग कॉलेज की तरह सेट किया जाता है, बट होता यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बिना सहमति से वो ऑर्डर इशू करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप करने के लिए. इसी वजह से क्या होता है कि 1802 के अंदर ये कॉलेज अबोलिश कर दिया जाता है क्योंकि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मर्जी से नहीं बना है. उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सहमति से, कंसेंट से, न्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाता है इन द इंग्लैंड इन 1805, राइट. तो ही सेट अप द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा इन मे 1800 एंड ही इशूड ऑर्डर विदाउट कंसेंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड दैट्स व्हाई कॉलेज अबोलिश्ड इन जनवरी 1802. बाद में जो नया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जाता है इन इंग्लैंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन 1805. और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या थी, यहाँ पे ध्यान रखिए कि ट्रेनिंग किनको दी जाएगी, जो सिलेक्ट होंगे, सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो था पैट्रोनिज सिस्टम और दूसरा रिटन एंड ऑरल एग्जाम. बट ये जो नया जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था इंग्लैंड के अंदर भी, ये भी अबोलिश कर दिया जाता है 1858 को, 1858 तक. और रीजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड मैकॉले रिपोर्ट ऑफ 1854. और उन दोनों रिपोर्ट के बेसिस पे, और दोनों ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड मैकॉले रिपोर्ट है इनके बेसिस पे, फिर 1858 के ऑनवर्ड्स ट्रेनिंग जो है वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के अंदर देनी शुरू की जाती है. तो एक ट्रेनिंग का जो किस तरीके से ट्रेनिंग सिस्टम इवॉल्व होता है, लॉर्ड वेलेसली उसकी शुरुआत करते हैं और फिर किस तरीके से शुरुआत होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. सॉरी 1800 से लेकर के 1833 तक क्या सिस्टम रहता है, सेक्रेटेरिएट एक्सपेंड होता है एंड सेकंड थिंग जो है वो सेवरल डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, कुछ को दूसरों के साथ मर्ज कर दिया जाता है और कुछ डिपार्टमेंट को अबोलिश कर दिया जाता है. तो इन 33 सालों के अंदर यही प्रोसेस चलती रहती है. फिर 1833 में जाकर के चार्टर एक्ट आता है 1833 का, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद कीजिए कि 1600 के अंदर जब कंपनी चार्टर क्वीन जो ब्रिटिश क्राउन था वो एक चार्टर साइन करके देती है कि वो जाकर के ईस्टर्न वाटर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं. तो उसी चार्टर को 20 साल के पीरियड के लिए रिन्यू किया जाता है, राइट. तो रिन्यूड कंपनीज चार्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर केम टू बी वेस्टेड इन हिम. जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और सारी सिविल और मिलिट्री पावर उनको दे दी गई. एक्टिविटी ऑफ कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी केम टू एन एंड.
अब उसके पास पॉलिटिकल फंक्शंस है, कमर्शियल फंक्शंस वहां पर खत्म हो गए, एक तरीके से गवर्नमेंट बन गई हुई इंडिया के अंदर आकर के। अब आपको दो चीजें यहाँ पर और बतानी है। एक चीज तो ये कि कौन से एक्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन मार्केट से मोनोपोली खत्म हुई थी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या बतानी आपने कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले पहले इंसान कौन थे, राइट। पहला तो क्या बताना आपको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट, वो कौन थे। सेकंड थिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट। एंड थर्ड थिंग क्या है कि किस एक्ट के थ्रू मोनोपोली खत्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, राइट। फिर बात करते हैं दैट कमर्शियल डिपार्टमेंट जो था वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि कमर्शियल फंक्शंस खत्म कर दिए गए कंपनी के, तो कमर्शियल डिपार्टमेंट भी खत्म कर दिया गया, सीज मतलब बंद कर दिया गया। एंड जो 1833 का जो एक्ट रहा, बेसिकली इट टुक अवे द राइट ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब आप अपनी मनमर्जी से किसी भी अपने रिश्तेदारों को सिविल सर्विस में लेकर के नहीं आ सकते, राइट ऑफ पैट्रोनेज खत्म कर दिया। यहाँ पर कंपटीशन का एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की गई, एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो अटेम्प्टेड टू बी इंट्रोड्यूस, बट दैट वॉज नेगेटिव ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये भी मैंशन किया गया इस एक्ट के थ्रू कि इंडियन शुड नॉट बी डिबेड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस अंडर द कंपनी, मतलब शुरुआत हुई, एटलीस्ट इसके बारे में सोचा गया, जिक्र किया गया, मैंशन किया गया। और आगे जाकर के आने वाले 10-15 सालों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में ओपन कॉम्पिटिशन लागू कर दिया गया, जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। देन चार्टर एक्ट आता है 1853। चार्टर एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो जो कंपनी का चार्टर होता है उसको रिन्यू नहीं करते सॉरी। और जो चार्टर होता है बेसिकली लेफ्ट दिस पेंडिंग टिल डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट, राइट। सेकेंड थिंग, कंप्लीटली पैटर्नी सिस्टम को अबोलिश कर दिया जाता है, और यहाँ पर एक ओपन कॉम्पिटिशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। एंट्रेंस एग्जाम लंडन में होता है बाय सिविल सर्विस कमीशन। एज लिमिट उस टाइम पर 19 to 22 ईयर्स रखी जाती है। फर्स्ट एग्जाम 1855 में कंडक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकॉले कमेटी रिपोर्ट जो होती है उनकी, उस बेसिस पे। अच्छा, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, बट बेसिकली जो वेरिएशन है वो 19 ईयर to 23 ईयर्स के बीच में ही चलता रहता है, राइट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर जो एज लिमिट रखी गई थी वो 19 से 22 साल रखी गई थी मिनिमम और मैक्सिमम एज, राइट। फिर बात करते हैं मैकॉले कमेटी की। मैकॉले कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाइबल मानी जाती है ऑन कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, एंड इट प्रपोज अ डिटेल्ड स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड। इसी के बेसिस पे हेलबरी जो कॉलेज था वो उसको बंद किया गया एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का कंसेप्ट ऐड किया गया। आपको याद होगा कि जब मैं लॉर्ड वेलेसली के बारे में हमने आपको बताया, तो वहां पर ये डिस्कस किया गया था कि 1858 के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर बेसिकली जो ट्रेनिंग कॉलेज था उसको खत्म, उसको बंद करके और फिर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ मैकॉले कमेटी ने रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के कंसेप्ट को, और ये आज भी है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आज भी एग्जिस्ट करती है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन हेलबरी कॉलेज क्लोज्ड, हेलबरी कॉलेज क्लोज्ड एंड कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एडेड। अब ये तो बात हुई 1858 की। 1858 में क्या स्पेशल होता है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो 1857 के अंदर रिवोल्ट होती है, सिपोही म्यूटिनी भी जिसको बोला जाता है, या रिवोल्यूशन या रिवोल्ट जो भी आप कहो, तो एक काफी बड़ा इवेंट होता है हिस्ट्री के अंदर। उसी को ध्यान में रखते हुए 1858 के एक्ट पास किए जाते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोला जाता है। तो यहाँ पर कंपनी को खत्म करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ जाती सारी चीजें। तो इस एक्ट के थ्रू सबसे पहला काम क्या किया जाता है, अबोलिशन ऑफ पोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड ट्रांसफर द गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रिवेन्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कंपनी से क्राउन तक पावर चली जाती है। और अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है अलोंग विद काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। 1858 का जो एक्ट है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ होता है, इट मेड अ लिटिल एफर्ट टू डिसेंट्रलाइज द ब्यूरोक्रेटिक पावर। 1858 के अंदर लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, राइट। व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम, आज भी एग्जिस्ट करता है पोर्टफोलियो,
कैबिनेट, जब आप कैबिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो आप पोर्टफोलियो वर्ड बहुत बार देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था कि जितने भी जो मेंबर थे, गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उसके जितने भी मेंबर थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। राइट, मान लो गवर्नर जनरल की काउंसिल में 5 मेंबर है, 5 मेंबर्स को हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। एक तो वो अपने अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, दूसरा वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। राइट, सो द पोर्टफोलियो सिस्टम, द वर्क ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस वाज एंट्रस्टेड टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एंड इट कैरिड द सीट्स ऑफ अ कैबिनेट कंप्राइजिंग सेवरल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सेक्रेटेरिएट का पीछे आता है और कैबिनेट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शुरुआत होती है। राइट, एक चीज और देखिए हिस्ट्री में जा करके कि जब रिवोल्ट होती है 1857 की, तब यहाँ पर इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल कौन होते हैं? राइट, डलहौजी होते हैं, लॉर्ड कैनिंग होते हैं। फाइन, उसके बाद हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1861 की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेंबर इंचार्ज होता है डिपार्टमेंट का, अब वो फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता है। अब उसको बार बार गवर्नर जनरल के पास जाने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो सिस्टम के थ्रू आपको आपका एक डिपार्टमेंट मिल चुका है, तो आप जिस डिपार्टमेंट के आप हेड हो, आप अपने बिहाफ पे फाइनल ऑर्डर इशू कर सकते हो विद रिगार्ड टू द मैटर विच कंसर्न विद दिस डिपार्टमेंट। एंड इट बेसिकली इनिशिएट प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। किस तरीके से, आप याद कीजिए कि 1773 का जो एक्ट रहा, रेगुलेटिंग एक्ट, उस एक्ट ने क्या किया था कि बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर सबोर्डिनेट बना दिया गया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि उनको बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की खोई हुई पावर वापस दी जाती है, रिस्टोर की जाती है। तो रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सम ऑफ देयर लॉस्ट पावर एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू काउंसिल इन अदर प्रोविंसेस एज वेल। प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ सम इंडियंस इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, कुछ इंडियंस को इंक्लूड भी किया जाता है। राइट, और आई थिंक 3 इंडियंस को सबसे पहले इंक्लूड भी किया जाता है गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ 1861। देन एचिसन कमीशन आते हैं 1896 से लेकर के 1887 में। आपको ध्यान होगा कि 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। राइट, उसके जस्ट 1 ईयर बाद भी क्या है, एचिसन कमीशन को क्रिएट किया जाता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि इस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको पता होते हुए कि जो ये कंपटीशन एग्जाम है ये इंडियंस के लिए कितना जरूरी है, फिर भी उन्होंने इसको रिकमेंड नहीं किया। दिस कमीशन नोइंग दैट द डिमांड फॉर होल्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वॉज क्लोजेस्ट टू द एजुकेटेड इंडियंस हार्ट डिड नॉट रिकमेंड दिस। उन्होंने ये कहा कि आप प्रोविंशियल सिविल सर्विस को क्रिएट कीजिए, बिलो दैट सबोर्डिनेट सिविल सर्विस वॉज सेटअप। सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस, उसके बाद सबोर्डिनेट सिविल सर्विस, उसके बाद सॉरी इंडियन सिविल सर्विस, देन प्रोविंशियल सिविल सर्विस, उसके बाद सबोर्डिनेट सिविल सर्विस। तो रिकमेंडेड अबोलिशन ऑफ कोविनेंटेड सिविल सर्विस, यहाँ से कोविनेंटेड और अनकोविनेंटेड खत्म हो जाता है और 3 सर्विस कार्व आउट की जाती है। वन इज इंपीरियल सिविल सर्विस जिसको ICS बोलते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस PCS एंड देन सबोर्डिनेट सिविल सर्विस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो क्या थी कि उन्होंने ये कहा कि आप जो PCS के मेंबर्स हैं उनके लिए ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए कि वो भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो टू द लिस्टेड पोस्ट ऑफ ICS, यानी PCS भी प्रमोट होकर के ICS के अंदर जा सकते हैं। ये इस कमीशन की रिकमेंडेशन रही। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है बट दो या तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फर्स्ट तो ये है कि इट इंक्रीज्ड द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। बजट काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उनको डिस्कस करने की पावर दे दी गई और वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक तरीके से कुछ इलेक्शन का एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की गई बट बहुत ही लिमिटेड वे में और बहुत ही इनडायरेक्टली। राइट, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी वहां पर जो नॉन ऑफिशियल सीट हैं उनके लिए कुछ वहां पर फिलअप करने के लिए उन सीट्स को इलेक्शन का छोटा सा एलिमेंट ऐड किया गया, लिमिटेड और बहुत इनडायरेक्ट था। राइट, उसके बाद में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपको ध्यान होगा कि फिर इसके बैकग्राउंड में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है। राइट, उसके बाद में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के थ्रू ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऐड किया जाता है। और ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया, बट इसके अलावा
इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्ट ऑफ 1892, 1892 का जो रहा उसी का एक्सटेंशन है ये। कैसे कि उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया और प्रोविंशियल काउंसिल जो थी वो अब नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी कर सकती थी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी भी हो सकती थी। एंड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इनॉग्यूरेटेड। उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन लाया जाता है, ये भी उसी साल, जिस साल मोरलेमेंटो रिफॉर्म आता है उसी साल। सो दिस कमीशन रिकमेंडेड रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ पंचायत एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज। अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की कोशिश की जा रही है, और 1919 का जो एक्ट आता है वहां पर भी लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की कोशिश की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बेसिकली इस प्रमाइस पे बेस्ड है, पॉपुलर कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ लोकल गवर्नमेंट वुड बी एस्टैब्लिश्ड। किस तरीके से? इट बेसिकली डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डायरकी ऐड की जाती है, और इसके अलावा इंक्रीज किया जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, देन जितने भी डिपार्टमेंट है उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो डायरकी वाला ये जो प्रोविजन था इट बिकम्स अ फेलियर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको लिखना है कि 1990 का जो ये डायरकी वाला एक्सपेरिमेंट था वॉज अ बिग फेलियर, और इसका रीजन आपको मेंशन करना है, राइट? कि क्या क्या बेसिकली रीजन रहे जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो गया, फाइन? तो आप थोड़ा डिटेल में जाइए, बुक उठाइए, वहां पर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा किस वजह से डायरकी जो है वो फेल हुई थी। देन 1923 के अंदर रॉयल कमीशन लाया जाता है, रॉयल कमीशन लॉर्ड ली के चेयरमैनशिप के अंडर आता है, राइट? एंड इट बेसिकली रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर इन्हीं के बेसिस पे 1926 पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है, चार मेंबर होते हैं। अर्ली 30s तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो क्लाउड है वो गैदर करने स्टार्ट कर जाते हैं, एंड विद अ व्यू टू वू इंडियंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया जाता है। उनको पता होता है कि वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकती है, या फिर मतलब वॉर हो सकती है, तो उनको इंडियंस की जो सहयोग था वो बहुत ज्यादा जरूरी था, इंडियंस का सपोर्ट, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या करते हैं, बेसिकली जो प्रोविंस के अंदर डायरकी को ऐड किया गया था थ्रू द एक्ट 1919, उस डायरकी को खत्म किया जाता है, और वही डायरकी सेंटर के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। एक फेडरेशन को प्रपोज किया जाता है, उसके अलावा सब्जेक्ट को तीन लिस्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। बट बहुत सारे प्रोविजंस जो है 1935 एक्ट के कुड नॉट बिकम द रियलिटी ऑन ग्राउंड, एंड यू हैव टू मेंशन द रीजन क्यों 1935 का एक्ट जो है वो एक रियलिटी नहीं बन पाया, प्लीज मेंशन द रीजन, राइट? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बनती है, राइट? इसके बाद 1941 तक आते आते तीन नए डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, वन इज इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सेकेंड सिविल डिफेंस का, तीसरा जो था इंडियन ओवरसीज का, जिसको फिर बाद में रीडेजिग्नेट किया, रीडिजाइन किया गया एज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ 1944 में, और 1947 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ के साथ मर्ज कर दिया गया। कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ग्रुप है कंट्रीज का जो कभी ना कभी इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंडर रही है, उनकी कॉलोनी रही है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ के अंडर जो है वो ऐड कर दिया जाता है, राइट? तो ये तो ही बात ब्रिटिश लीगेसी की, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विस, और इन्हीं सारे फीचर्स के बारे में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।